जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो द पॉलीग्राफ। अगला वर्ष यानी कि 2022 इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। 2022 में सबकी निगाहें इस चुनाव के ऊपर लगी हैं। अचानक समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है और बैकफुट पे लाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए दो जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उनका इटावा, सफाई से जो आवाज़ निकलती है वो सेंट्रल यूपी और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को कवर करती है। दूसरा उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है बाराबंकी। बाराबंकी की जो गूंज है वो पूरे पूर्वांचल में सुनाई देती है। बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसलिए ज़्यादातर समाजवादी पार्टी अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत जो है वो इन्हीं दो जिलों से हमेशा करती आई है। चुनाव दस्तक दे चुका है, इसकी तैयारियां भी बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी का आजकल एक पोस्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उनका एक पोस्टर सब तरफ लगा हुआ है जिसपे अखिलेश यादव जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका फोटो बना हुआ है और उस पर लिखा है हम आएंगे। हम आएंगे का ये जो दावा है या उम्मीद है इस पर हमने बात की है कुछ समाजवादी पार्टी के दिग्गज जैसे कि पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप से, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात की है और बचाव में भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी जिले से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं राम नरेश रावत जी जो कि बछरावा से विधायक हैं। उसके अलावा जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के अवधेश श्रीवास्तव जो जिनका ये दूसरा लगातार कार्यकाल है। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। हम दिखाते हैं कि सबसे पहले इस दावे पर कि हम आएंगे किसका मजबूत तर्क सामने आ रहा है। परवेज भाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हम सबके नेता, गरीब किसान नौजवान एकमात्र उम्मीद बचे हैं उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। ये गरीब किसान नौजवान के दिल पर राज करते हैं। पोस्टर तो एक छोटी चीज हो गई और जो भी विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, वो अपने अपने तरीके से स्लोगन लिखते हैं, नारे लिखते हैं, लेकिन हर आदमी की आस्था है, ये विश्वास है कि 2022 में समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम नौजवान भी उनके साथ काम करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि सरकार में भी, संगठन में भी हम अखिलेश जी के साथ काम किए हैं। एक लंबी राजनीतिक पारी में हम लोग आदि मुलायम सिंह यादव नेताजी के राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन नेताजी ने जो 2012 में एक नौजवान नेतृत्व हमको दिया अखिलेश जी के रूप में, मैं बात दावे के साथ कहता हूँ, पूरे देश में हमारे लोगों से संपर्क हैं, आना जाना है, मुलाकात होती है, लेकिन आदमी अखिलेश यादव जैसा नौजवान नेता, अखिलेश यादव जैसा बड़े दिल का नेता, वो जो सबकी मदद करते हैं अभी तक हमने नहीं देखा है। इसीलिए गरीब किसान नौजवान सब ने उम्मीद की है कि 22 में 22 की रख ले जाते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, उनका दावा है कि हम आएंगे और हमारा दावा है हम हैं और आगे भी रहे, हम इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से मेरा कहना है, हमारी बहुत तेजी के साथ में, जैसे इस समय हम बूथ कमेटियों का सत्यापन कर रहे हैं, बूथ कमेटियां, हर बूथ पर हमारे 21 लोग हैं जिनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और हमारा जो महामंत्री होगा बूथ स्तर का वो VLA2 होगा। इस तरीके से सरकार के कामों में भी वो सहयोग कर किया जा रहा है। हमारी कंपेन किसी से कमज़ोर नहीं है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे सबका सम्मान। 2022 का चुनाव बेशक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश और देश के लिए है। संपूर्ण देश का, देश के लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में हम भारी भरकम बहुमत से 325 से अधिक सीट लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए थे। तो स्वाभाविक है कि चुनाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जो 2012 से 17 तक का अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था उसमें उनके पास बताने के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। वो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, इसके अलावा जो है जिला अस्पतालों में जो है ट्रॉमा सेंटर उनके टाइम में बनवाया गया और 100 डायल 108 सेवाएँ और एम्बुलेंस सेवाएँ, बहुत सारी उपलब्धियाँ वो गिनाते हैं। इस मामले में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की जाती है तो ज़्यादातर मोदी जी का नाम देते हैं और केन की उपलब्धियाँ गिनाते हैं। इस पर भी हमने बात की। मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में नेताजी की सरकार में काम होता था, लेकिन 12 से 17 जो विकास के काम हुए हैं वो केवल हिंदुस्तानी, दुनिया के लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार कहते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत विकास का काम किया। इतने मेडिकल कॉलेज, नौजवानों को लैपटॉप, गरीबियों को आवास, महिलाओं को पेंशन, खिलाड़ियों को सम्मान, साहित्यकारों को यश भारती, आगरा सुबह में तमाम हमने काम किए। लेकिन मैं जरूर इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरा काम गांव के अंतिम व्यक्ति तक तो पहुंचा, लेकिन मेरा मुकाबला जिससे था भारतीय जनता पार्टी से, वो मायावी लोग थे और माया जाल में फंसा के हमारी भोली भाली जनता को बहकाने का काम किया और जनता कहीं कहीं बहकावे में आई जिससे हम सत्ता से बेदखल हुए और सत्ता में आए। लेकिन यही जनता, यही किसान, यही नौजवान 4.5 साल में समझ गई है कि असली नेता कौन है। ये ठीक है, जब आदमी मूल्यांकन करता है दो लोगों के बीच में तो उसको सच्चाई पता चलती है। आज जब मूल्यांकन हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, गरीब किसान नौजवान ने माना कि उससे भूल हुई कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उन्होंने बनाया, लेकिन यही किसान नौजवान इस सरकार को हटाएगा और अखिलेश जी की प्रचंड बहुमत की सरकार 22 में बनाएगा। कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है और अब तो स्थिति यह है कि जो रोजगार का केंद्र बिंदु जो योगी जी ने शुरू किया था इन्वेस्टर समिट, उसमें बाहर से लोग भी उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षित हुए और यहाँ पर बहुत से रोजगार लगाए जा रहे हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो पकड़ी और उठाकर इधर रख दिया, जादुई काम हो गया। लेकिन यह है कि बहुत सी फैक्ट्रियां लग रही हैं, जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र बछरावा में भी इधर पिछले 4 साल के अंदर कई फैक्ट्रियां वहां लग रही। खिलाफ माहौल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जहां एक तरफ सेवा ही संगठन के नाम से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है, कार्यकर्ता आम जनमानस तक, लाभार्थी तक कैसे वो योजनाएं पहुंचे, भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय जनप्रतिनिधि विधानसभा में, लोकसभा में पूर्व मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन था कि अंत्योदय का जो चिंतन था कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के सारी योजनाओं को पहुंचाएंगे और उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमने जो योजनाएं लागू की, परवेश जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नाते जो योजनाएं लागू हुई वह हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने हिंदू और मुस्लिम जाति और पंथ के मजहब पर किसी को योजनाएं का लाभ नहीं दिया। हमने कहा बेटी बेटी एक समान, हिंदू या मुसलमान। हम मानते हैं कि कोई धर्म का व्यक्ति है, कोई मजहब का व्यक्ति हो, चाहे वो अगड़ी कौम से आता हो, पिछड़े से आता हो, चाहे वो अनुसूचित का आता हो, अगर गरीब है, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ के आंसू को पोषण कहां पर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। अगर किसी गरीब के सर पर छत नहीं है तो हमने 2024 तक सब गरीबों को छत उपलब्ध कराने का वादा किया था। कोरोना काल के बावजूद संकट आया, लगभग 2 साल हम संकट में रहे, सभी लोगों ने काम किया, धन्यवाद हम आपको देते हैं। आप लोगों ने भी सबके साथ, समाज और सरकार के साथ, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर काम किया,
लेकिन उसके बावजूद हम लगभग 90% चाहे शहरी इलाकों में हो और चाहे ग्रामीण इलाकों में है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हमने लोगों को छत उपलब्ध करवाया, हमने निःशुल्क शिक्षा की बात कही तो लोगों को शिक्षा दिया। बिजली का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था। 2017 के पहले बिजली कब आती है लोग ये देखते थे, 2022 के 17 के चुनाव के बाद बिजली कब जाती है लोग ये देखते हैं। हमने पूरा का पूरा मुद्दा हाईजैक किया, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री ने पूरे मनोयोग से बिजली गांव में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे देने का हमने वादा किया था, लगभग उस पर कामयाब हैं। बिजली का मुद्दा था, चाहे वो हर घर हर नल की योजना रही हो, हमने पानी भी देने में हमने कामयाबी प्राप्त की, हमने लोगों को खाद देने का काम किया, हम नहरों में पानी पहुंचाने का मेरा संकल्प था, मैंने उस संकल्प को पूरा किया। इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन थे उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिमी जिलों में इसका बड़ा ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत हुई है और उन्होंने घोषणा की है टिकैत साहब ने कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आधा दर्जन महापंचायत करके जो है वो लोगों को बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों का उत्पीड़न कर रही है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या कहते हैं इस पे हमारे नेता का? परवेश भाई, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, किसान के पसीने से, किसान की मेहनत से जो अनाज पैदा होता है उसको हम खाते हैं, हम अपना पेट भरते हैं और भारत का किसान पूरे देश में इसका सम्मान है। लेकिन 8 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं वो किसान सड़क पर बैठा है और दिल्ली या लखनऊ की एक सरकार इसकी कान में जू नहीं देख रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने कल भी कहा, आज भी, जब तक ये तीनों काला कानून बिल वापस नहीं होगा समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी, किसानों के साथ रहेगी और किसान के साथ समाजवादी पार्टी थी, है और रहेगी। अगर किसान नहीं खुशहाल है तो हिंदुस्तान कैसे खुशहाल हो सकता है? किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं किसानों को, जो किसान बेरोजगार हो रहे थे 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिल रहा है। एक और मुद्दा है जिसपे बहुत ही हमेशा हमलावर रहती है समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं कि जो भी भाजपा के साथ नहीं होता है उसको ये हिंदू विरोधी या राष्ट्र विरोधी बता दे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैं जानता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी नवरात्र व्रत भी रहते हैं, मैं जानता हूं हमारी लोकप्रिय सांसद रही श्रीमती डिंपल यादव जी व्रत व्रती नवरात्र व्रती पूजा भी करती हैं, मैं भी नवरात्र 9 दिन रहता हूं। लेकिन हम लोग इसका प्रचार सड़क पर नहीं करते हैं। कोई किसी धर्म का मानने वाला उसकी पूरी आजादी, अपने धर्म में पूरी आस्था के साथ अपने ईश्वर को, अपने ऊपर वाले को याद करें। ये भारतीय जनता पार्टी लोग कहते कुछ करते हैं कुछ हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसका सर्टिफिकेट कम से कम हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वक्त पे ऊपर वाले को याद करती है, समाजवादी पार्टी हमेशा ऊपर वाले को याद करती है, वो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कोई हो, हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो कहावत है ना, सुखमा सुमरन कोई नहीं क्यों, दुखमा क्यों याद, और सुखमा सुमरन जो क्यों तो दुख काहे कहो। जब भारतीय जनता पार्टी लोग फंस जाते हैं, सत्ता से बेदखल होने लगते हैं, तभी ऊपर वाले की याद करते हैं। हम लोग ऊपर वालों को हमेशा याद करते हैं, ऊपर वाले कृपा हम लोग पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी प्रमुख उपलब्धि यह है कि धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है पिछले 4.5 सालों में, अनावश्यक जनता पिटी नहीं, हमने महिलाओं को सुरक्षा देने का बड़ा काम किया है, हर थाने पर एक महिला थाना बनाया है, हमने भाई से भाई को नहीं लड़ाया, हमने मुकदमेबाजी नहीं किया, हमने पूरे बछरावा में, आप देखें, मैं यहाँ MLC था, 6 साल तक रहा, संगठन में भी रहा हूँ, लेकिन एक भी मुकदमा SC ST एक्ट का मैंने नहीं लिखवाया, आप इसके गवाह हैं पूरी तौर से, बचपन के साथी हैं हमारे। आपने कभी ये नहीं देखा होगा मैंने किसी की संपत्ति हड़प करवाने में सहयोग किया हो, मैंने ये कभी नहीं किया कि कुछ लोगों को प्रमोट न किया जाए। हाँ यार, हम वंदे मातरम कह रहे हैं, आप कह रहे हो वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है, तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर भारत माता की जय कहना हम सांप्रदायिकता है, तो हम सांप्रदायिक हैं, मान रहे हैं। अगर भगवान राम के मंदिर बनाने के मुद्दे पर अयोध्या में हम होली दीपोत्सव मनाने जाते हैं, अगर आप कहते हो सांप्रदायिक हैं, तो हम सांप्रदायिक हैं।
अगर हम वृंदावन में होली मनाने योगी आदित्यनाथ जाते हैं, आप कहते हो सांप्रदायिक हैं, तो हम मानते हैं हम हैं। अगर देव दीपावली अपने देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर काशी विश्वनाथ मनाने जाते हैं, आप कहते हो सांप्रदायिक हैं, तो हाँ हैं, हम हैं। हम हमारे सरकार के प्रतिनिधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी मजार पर भी ज्यादा चढ़ाए जाते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रतिनिधि देमा शरीन में हाजी वरी सली साहब की मजार पर भी ज्यादा चढ़ाए जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त चरम पर है, और एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ होती है वो भी झेलनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत ही बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है जो कि चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। देखिए दो चीजें, लगभग 1.5-2 साल हो गया हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। पहले जान है तो जहान है, इस नाते सबसे ज़्यादा व्यवस्थित, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने लोगों को योगी जी ने उनके प्राणों की रक्षा की और कोरोना को मात देने में सफल रहे। ये जरूर है कि हमने अपने कुछ मित्रों को खोया, कुछ परिवारजनों को खोया, कुछ हमारे नेता लोग हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन यह है कि उस रूप में संक्रमण नहीं हुआ जिस रूप में दक्षिण भारत के केरला इत्यादि में है। हम तो ये कहना चाहेंगे महंगाई कोरोना के कारण है, बेरोजगारी तो कम से कम है, दूर की जा रही है। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी बात सहमत है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था प्रदेश में, लेकिन हमारी सरकार ने, हमने 69,000 भर्तियों का मेरा भागीरथ संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिया था शिक्षकों की भर्ती के लिए, जो ये गर्जों था शिक्षक और भ्रष्टाचार, शिक्षक माफिया, शिक्षा माफिया और भ्रष्टाचार अधिकारियों का जो गर्जोर था, योगी आदित्यनाथ ने उस गर्जोर को जब तोड़ने का प्रयास किया तो वह गर्जोर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन धन है सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार की भावनाओं को समझा और भ्रष्टाचार मुक्त बिना कहीं कोई 1 रुपए की कमीशनबाजी, बिना कोई 1 रुपए के घूस दिए हुए हमने सरकार को आज 69,000 शिक्षक उनके परिवार को मुस्कुराहट देने का काम कर किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। हमने चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो नहर विभाग हो, चाहे उच्च शिक्षा का विभाग हो, आप देखते हो दिन प्रतिदिन पारदर्शी प्रक्रिया से, आप देखते हो अखबारों में विज्ञापन होता है, ऑनलाइन पर विज्ञापन निकलता है, प्रतियोगी परीक्षाएं परीक्षार्थी वहां बैठते हैं और इंटरव्यू होता है, परीक्षाएं होती हैं, हम नौकरी देने में कामयाब हो रहे हैं। आगे हमारी सरकार अभी भी और दृढ़ संकल्पित है, 22 के चुनाव के आते आते हम 1 लाख से अधिक लोगों को अभी भी रोजगार देने वाले हैं, ये सरकार का संकल्प है। मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे भी पूरे योगी आदित्यनाथ सरकार में होते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे एक बड़ा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इसको मानने लगे हैं कि मॉब लिंचिंग जो है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हुई है तो इसमें चूक तो आपकी सरकार से ही हुई है ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है, कहीं कोई मॉब लिंचिंग नहीं है। ये हमने पहले भी कहा कि हमारी कोई भी नीतियाँ हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं है। हमारे अपराधी चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर अपराधी है तो अपराधी है। अरे चुनाव का एजेंडा क्या होगा? सभी कह रहे हैं कि जो 2022 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को कैश करने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है तो उनके जो चुनावी एजेंडा होता है उसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा हमेशा राम मंदिर का रहता है। कितना ये मुद्दा इस बार इफेक्ट डालेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये भी देखना होगा। राम मंदिर हमारा आस्था का विषय था और सरकार का ये फर्ज होता है कि आम जनमानस की आस्था जो है उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगाए, ये मेरा फर्ज बनता था, हमने वो काम करके दिखाया। बिल्कुल मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन हम कहेंगे तो ही कि सपा की सरकार थी तो कार्तिकों को आपने गोलियां चलवाई थी, वो हम भूलेंगे नहीं, वो हम भूलने वाले नहीं हैं। बसपा के नेताओं ने कहा था हमारा शौचालय बना दिया जाए, हमारे भावनाओं को कुठाराघात पहुंचा था, हमारे भावनाओं का क्षरण हुआ था। हम कहेंगे चुनाव का मुख्य एजेंडा रहेगा राम मंदिर, चुनाव का एजेंडा विकास होगा, ये तय है 1000% हम आएंगे। जिस तरीके से ये तय है कि रात के बाद सूरज उगता है, उसी तरीके से तय है कि 22 में समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
और हमारा दावा है हम हैं और आगे भी रहे। लेकिन जहां पे हमारे माननीय महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम और चुनाव निशान साइकिल आता है, सारे नेता एकजुट होकर के और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम पहले करते थे और अब भी करते हैं, और आने वाले 2022 में सब एकजुट होकर के 2022 में जो 12 का हमारा रिजल्ट था 100 में 100% 6 की 6 सीट जिताने का, वो इंशाल्लाह दोबारा फिर दोहराया जाएगा।